लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस अवधारणा किसके लिए दिया गया था? लुईस अवधारणा दी गई थी अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए, यानी एसिड और बेस के पहचानने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो है लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कब दिया गया था? तो 1923 के अंदर, यानी 1923 के अंदर लुईस नामक वैज्ञानिक ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। लुईस ने क्या कहा था उसकी तरफ चलते हैं। लुईस ने कहा था कि जो एसिड होते हैं यानी कि अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो होते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है, अर्थात अम्ल के। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होते हैं उसे बेस यानी कि क्षार कहते हैं। तो लुईस ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज ए बेस। अम्ल और क्षार को हम इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान के आधार पर पहचान सकते हैं, यानी उसके एक्सचेंज के बेसिस पर उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया यहां पर, एक तो लिया NH3 और नाइट्रोजन के पास हम लोग जानते हैं लोन पेयर होते हैं, हिंदी बोलो तो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एक मैंने ले लिया BF3 यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड। यहां पर आपको NH3 के पास में लोन पेयर दिखाई दे रहा है, यानी अमोनिया के पास लोन पेयर है, इसलिए इसे क्षार या बेस कहते हैं। और BF3 में बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि आप लोग जानते हो कि बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है बाह्यतम कोश में। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, और 3 इलेक्ट्रॉन किसके? फ्लोरीन के। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरान का यहां पर ऑक्टेट या अष्टक पूरा नहीं होता। अष्टक पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। यहां पर है कितने? 6। तो यहां पर ये जो BF3 है ये किसकी तरह अपने नेचर को बताएगा? तो ये एसिड की तरह अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, तो इसको हम अम्ल या एसिड कह सकते हैं। अब हुआ क्या? तो ये लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा, कौन दान कर रहा है? अमोनिया। तो अमोनिया क्या हो गया? क्षार। कौन ले रहा है? BF3। तो ये कौन हो गया? अम्ल। तो यहां पर हम लोग देखें कि इस NH3 ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बोरान को डोनेट कर दिए और बोरान ने उन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिए, ग्रहण कर लिए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किसका निर्माण हो गया? सॉल्ट अर्थात लवण का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं तो बात होगी कि BF3 और NH3 की। अब हम यहां पर देखते हैं क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। तो अगली हेडिंग आप लोग लिखना है इसमें क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड, हिंदी में कहें लुईस अम्लों का वर्गीकरण, किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं? लुईस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप सिंपल केटायन, साधारण धन आयन। सिंपल केटायन या साधारण धन आयन, सिंपल केटायन जितने भी होते हो किसकी तरह बिहेव शो करेंगे? लुईस एसिड की तरह। इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे हमने लिखा H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव,
Cu पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, यानी जिसके ऊपर भी प्लस चार्ज होगा वो किसकी तरह अपने व्यवहार को बताएगा, एसिड की तरह अपने नेचर को बताता है, और उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज ए लुविस एसिड कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पर ये चीज बता रहा हूं, हमने लिखा Ag+ प्लस 2NH3, ऐसा कुछ लिख दिया Ag+ प्लस 2NH3, क्या हो सकता है, यहां पर हम देखेंगे Ag इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, कौन दे रहा है, तो भैया अमोनिया का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर Ag यानी सिल्वर प्लस तो क्या हो गया, एसिड हो गया, और अमोनिया क्या हो गया, बेस हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, सॉल्ट यानी कि लवण बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन हो जाएगा, सबसे पहला प्रकार सिंपल केटायन। दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरा क्या है, दूसरे एडिंग लिखना, दूसरे है सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरा अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है, अष्टक अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना। अब जैसे हमने यहां पर लिया बोरान ट्राइफ्लोराइड, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बोरान का परमाणु क्रमांक 5, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी, 3, टोटल कितने हो गए, 6, होना कितने थे, 8, अष्टक पूरा है क्या, नहीं, तो यहां पर BF3 किसकी तरह व्यवहार बताएगा, अपना लुईस एसिड की तरह, तो BF3 AlCl3 एल्यूमिनियम का भी सिद्धांत है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, 2, 8, 3, 3 और 3, 6, अष्टक पूरा हुआ, नहीं। ठीक है, BF3 AlCl3 और BCS3 थ्राइस आदि, ये सब किसकी तरह होते हैं, लुविस एसिड की तरह, यानी सेंट्रल एटम जो रहेगा उसका अष्टक पूरा नहीं होता है, वो किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा, लुविस एसिड की तरह। आगे चलते हैं, थर्ड है अणु जिनमें भिन्न विद्युतता वाले, अणु जिनमें भिन्न ऋण विद्युतता वाले परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य बहुबंध उपस्थित होता है, बहुबंध उपस्थित होता है, इसको लिख सकता है इंग्लिश में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन मॉलिक्यूल। अब हम क्या करें कि क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, बहुबंध होना चाहिए। ठीक है, बहुबंध किसे कहते हैं, तो हमने लिखा सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, बहुबंध है, एक से ज्यादा बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड है, तो यहां पर विद्युत ऋणात्मकता देखो ऑक्सीजन की अलग होती है और कार्बन की अलग हो जाती है, इसलिए ये क्या है, ये एक लुईस अम्ल हो गया, इसकी रिएक्शन आपने किसी क्षार के साथ करवा दी। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है, देखो एच यहां पे है, बीच में क्या है सी, और यहां पर क्या है ओ थ्री, क्लियर है, तो एस सी ओ थ्री का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से एक और लिखते हैं एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इसकी रिएक्शन भी ओ एच नेगेटिव से करवा दे, क्या लिख सकते हो एच। ठीक है,
SO2 की रिएक्शन OH नेगेटिव से करवाते क्या लिखोगे HSO3 नेगेटिव लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, ये जिस पे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं बहुबंध होते हैं ये लुईस एसिड की तरह अपने व्यवहार को बताएगा। तो तीसरा हम लोगों ने देखा क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि बहुबंध होना चाहिए। ठीक है, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा हेडिंग लिखना, अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी कक्षक हो, अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी कक्षक हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या होगा, सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा PCl5 SiCl4, ठीक है SiCl4 लिख दिया, SnCl4 लिख दिया, क्लियर ना, तो XeF4 लिख दिया। तो ये जो सेंट्रल एटम है कौन सा, फास्फोरस सिलिकॉन टीन और Xe, इनमें डी कक्षक भरा हुआ नहीं रहता। ठीक है, अब आप देख लें कैसे, हम लोग जानते हैं फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और 3d0। तो d के अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो जिसके d में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो क्या हो जाता है, लुईस एसिड की तरह अपने नेचर को बताएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। और लास्ट में फिफ्थ, तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन शटक उपस्थित होते हैं, तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन शटक उपस्थित होते हैं, लिखना इसके अंदर इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉन सक्सेट प्रेजेंट इन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन सक्सेट प्रेजेंट इन एलिमेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन शटक किसे कहते हैं पता है कुछ, शटक का मतलब छे। ठीक है ना, देखो कैसे, मैंने लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, एटॉमिक नंबर 8 होते हैं, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सेट यानी कि शटक। तो ये ऑक्सीजन किसकी तरफ ये बताएगा, लुईस एसिड की तरफ। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कर दी, सपोज CO3 के साथ कर दी, ठीक है ना, या फिर इसकी रिएक्शन में SO3 के साथ करवा दी, क्या होगा SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से एक और ले सकते हम लोग, सल्फर को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सल्फर के बाह्यतम कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसकी तरह बिहेव शो करेगा, लुईस एसिड की तरह। क्लियर है, तो हमने देखे पांच तरीके से हम लोग लुईस एसिड को समझ सकते हैं, एक तो सिंपल कैटायन साधारण धन आयन, अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉर द सेंट्रल एटम, अणु जिनमें भिन्न विद्युत वाले परमाणु के मध्य बहुबंध होते हैं यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी कक्षक या वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन सेक्सेट यानी कि शटक उपस्थित होता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं, यहां से चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस
बेस, लुईस शार का वर्गीकरण, ठीक है। पहला क्या था, सिंपल कैटायन था, पहले सिंपल एनायन लिख दो, हिंदी में क्या लिखोगे, साधारण ऋण आयन। तो साधारण ऋण आयन में आप क्या लिख सकते हो, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, अरे समझ में, जिसके ऊपर भी नेगेटिव वो सब क्या हो जाएंगे, लुईस बेस हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, ऐसे उदासीन अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में या किसी एक परमाणु में क्या उपस्थित हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, क्या लिख सकते हो आप इसमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्या कह रहे भैया, लोन पेयर होना चाहिए। क्या उदाहरण दे सकते हो आप, लोन पेयर ज्यादा दिखे वहां पे लुईस बेस होता है, अमोनिया में लोन पेयर है, ठीक है साहब लोन पेयर है। क्या जल के अणु में लोन पेयर होता है, है। एल्कोहल में लोन पेयर है, तो है। आरस वन में आगे पीएस थ्री में लोन पेयर है, तो है। तो जहां पर भी एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट तीसरा नोट कर लो, तीसरा लिखो हेलाइड, हेलाइड जानते हो ना, हेलाइड मतलब हेलोजन, जैसे लिखा XeF2, XeF4, XeF6, सब में क्या दिखाई दे रहे हैं, हेलोजन, सब क्या है, लुईस बेस हो गए, ठीक है। चौथा, द्विबंध युक्त अणु या पाई बंध युक्त अणु, द्विबंध युक्त अणु या पाई बंध युक्त अणु, इंग्लिश में लिख सकते हो अ मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, अ मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, मतलब जहां पर भी डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड होंगे वो सब क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड दिख रहा, बिल्कुल है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा दे, थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि सिल्वर हमारे लुईस अम्ल है, तो ये लुईस अम्ल है और ये लुईस क्षार है, ये बेस है और ये एसिड है, इसकी रिएक्शन करवा दो, कैसे लिखोगे, Ag यहां लिख सकते CH2 डबल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, एक लवण यानी कि सॉल्ट बन गया, क्लियर। तो ये क्या बात हुई हमारी, लुईस बेस का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक। अब इस लुईस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस का, ये कुछ बाउंडेड है, बंधा हुआ है, क्यों बंधा हुआ है, कि भैया बार बार एक बात करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, यानी कि लोन पेयर होना चाहिए, कि लोन पेयर दान कर दे और लोन पेयर ग्रहण कर दे, लोन पेयर दान कर दे तो बेस, लोन पेयर को गेन कर लिया ग्रहण कर ले तो अम्ल कहलाता है, यह भी हमने पढ़ा, पर ये थ्योरी है एक जगह आकर फेल हो जाता है, कहां पर आकर, यदि जहां पर लोन पेयर नहीं है उसको आप कैसे समझाओगे, ठीक है। तो बिना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाली जगह आकर ये थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो इस थ्योरी को जो एक्सेप्शन है उसको समझने के लिए फिर आगे भी कुछ दिया गया, तो ये तो था हमारी किसकी, लुईस की अवधारणा, किसके लिए, एसिड और बेस के लिए।
ठीक है, इसके आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।